पब्लिक टीवी आपकी आवाज। 45 साल हो गए, 45 ईयर समाज की सेवा करते हुए, लेकिन मुझे राम भक्त के नाम से लोग जानते हैं। मैं इस दायित्व को अपनी पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। विपक्ष लगातार घेरने को तैयार रहता है कि भाजपा कुछ कर नहीं रही है। जिसमें कुछ करने की क्षमता होती है उसी की अच्छाई और बुराई होती है। भाई साहब, एक रुपया भी पूरी जनता पे खर्च करना मुश्किल काम है और एक एक डोज आदमी को बुला बुला के लगाना। भाजपा में कार्यकर्ता का सम्मान नहीं है। बार बार एक सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता परेशान है, दुखी है, तो ये विशाल जन कहां से आ रहा है? पार्टी मौका देगी महापौर बनने का तो महापौर बन के करेंगे, किसी और व्यक्ति को पार्टी विश्वास जताती है तो उसका पूरी ताकत से चुनाव लड़ाएंगे, तन से मन से धन से। नगर निगम चुनाव को लेकर जिस तरह के प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी भरी है, इसी कड़ी में आज हम मुरादाबाद के समाज सेवी हैं और लगातार समाज सेवा के साथ साथ अपने व्यापार में भी ऐसी तरक्की की है कि मुरादाबाद के लोग अलग ही तरह से उन्हें जानते हैं। समाज सेवा के साथ साथ उन्होंने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है और अब राजनीतिक तौर पर अपनी एक अहम जिम्मेदारी निभाते हुए नगर निगम के चुनाव में अपने दावेदारी की है राजेश रस्तोगी ने। आज हम उन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले उनसे जानते हैं कि उन्होंने जो चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में दावेदारी की है, उस पर आखिरकार उनकी क्या राय है और अगर जिस तरीके से उन्होंने अपनी दावेदारी करते हुए एक आम आदमी के तौर पर वो किस तरह से काम करने की उन्होंने एक रणनीति तैयार की है, इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज हम जानने के लिए पहुँचे हैं राजेश रस्तोगी जी के पास। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपने, क्योंकि चुनाव में दावेदारी की है, किस तरह की रणनीति है और क्योंकि अभी नाम फाइनल होने हैं, किस तरह की उम्मीद है? देखिए, सर्वप्रथम तो मुझे 45 साल हो गए, 45 ईयर समाज की सेवा करते हुए। 45 साल के इस लंबे अंतराल में प्रभु श्री राम की सेवा करते हुए 44 साल का समय व्यतीत हो गया। दिल्ली के भव्य रंगमंच पर मैंने 3 साल रामलीला की अपने आदरणीय गुरु सोती जी के निर्देशन में। उसके बाद मैं मुंबई चला गया, वहाँ 41 साल से लगातार एक ही बड़े मंच पर संपूर्ण रामायण का प्रदर्शन मेरे निर्देशन में किया जाता है, जिसमें मैं खुद रावण की, दशरथ की और केवट की भूमिका निभाता हूँ। तो मैं, मुरादाबाद महानगर की जनता जानती है कि मुझे राम भक्त के नाम से लोग जानते हैं। अगर मुरादाबाद महानगर में पूछा जाता है कि भी कोई बहुत बड़ा राम भक्त जिसके बारे में आप जानते हो, तो मेरा विश्वास है कि लोग मेरा नाम जरूर लेते होंगे और लेते हैं कि राम भक्त वो हैं, राजेश जी। तो ये मेरा सौभाग्य है कि भगवान ने मुझे मौका दिया, मैं 44 साल से सेवा कर रहा हूँ उनकी। और केवट का रोल मेरा पसंदीदा रोल है, भगवान के चरण को पखारता हूँ और फिर उस जल का सेवन होता है, तो वो एक मेरे लिए बहुत, मेरी अमूल्य निधि है मेरे जीवन की। मैंने अपने जीवन के 44 साल में से 15 दिन एक साल में लगा के 660 दिन रात भगवान की सेवा की है। उसका फल मुझे ज़रूर मिलेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ और मैंने इस बार महापौर के पद के लिए अपनी दावेदारी बहुत सशक्त तरीके से, मजबूत तरीके से रखी है और मुरादाबाद महानगर की पब्लिक, महानगर की जनता से जो मुझे प्यार मिल रहा है लगातार, मैं पार्टी का भी रेगुलर काम कर रहा हूँ। समाज सेवा तो मेरा एक उद्देश्य है ही, जो मैं करता ही हूँ। गरीब कन्याओं का विवाह कराना, ज़रूरतमंदों का इलाज कराना, गरीबों को दवाइयाँ बांटना, गरीब बच्चों को पढ़ाना, ये वो छुपे हुए काम हैं जो मैं अपने आप करता रहता हूँ। लेकिन कुछ संस्थाओं से भी मैं जुड़ा हूँ जिनके द्वारा ये काम होते हैं। मैं कुछ बच्चों को पढ़ाता हूँ जो उस शिक्षा के बाद दवाई के क्षेत्र में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, तो वो हम फ्री शिक्षा देते हैं और उसके बाद उनकी नौकरी भी लगवाते हैं। ये सब काम एक समाज सेवा से जुड़े हुए काम है, छोटे छोटे, और ये ऐसे काम है कि मुरादाबाद में, महानगर में जितने भी डॉक्टर हैं, चूँकि वो सब मेरे परिवार के लोग हैं, कभी भी किसी डॉक्टर का फ़ोन आ जाता है कि ये बहुत बीमार है और ये बहुत गरीब है, तो उसकी दवाइयाँ एकदम फ्री कर दी जाती हैं और डॉक्टरों का बड़ा प्यार है मेरे साथ, तो मैं वो दवाइयाँ फ्री कर देते हैं हम लोग। तो ऐसे काम जो मैं अपने जीवन में कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे महानगर के महापौर का दायित्व निभाने का एक अवसर प्राप्त हो, मेरी पार्टी का मेरे ऊपर विश्वास
जमे लगे उन्हें कि ये व्यक्ति महानगर में एक महापौर के रूप में अच्छा काम कर सकता है। अगर मेरी पार्टी को ऐसा लगा और मेरी पार्टी ने मुझे ये सेवा करने का मौका दिया तो मैं अपनी पार्टी के विश्वास पे 100% खरा उतरूंगा। मैं जीवन में ये चाहता हूं कि अपने जीवन में जो मैं सेवा करता हूं, देखिए सेवा करने वाले लोग क्या चाहते हैं कि लोग उन्हें पहचाने, लोग उनके बारे में अच्छी बातें करें। तो वही मेयर के बाद है, मेयर बनने के बाद पब्लिक की उम्मीद होगी कि मैं कुछ ऐसा करूं कि पब्लिक को लगे हाँ भाई एक मेयर बना है तो हमारे लिए कुछ कर रहा है। जैसे मैंने अपने जीवन में देखा कि अगर मुरादाबाद महानगर में पूरी नालियां और नाले बिल्कुल जड़ से साफ किए जाएं, एक बार ऐसा हुआ नहीं आज तक कभी, कर दिए जाएं तो जल भराव खत्म हो जाएगा। और अगर उसमें मुश्किल आएंगी, कुछ नाले बंद हैं, कुछ नाले एकदम बहुत सारे चौक, हाँ चौक भी हैं, मुश्किल काम है लेकिन असंभव कुछ भी नहीं होता। हर संभव से पहले जो आ लगता है उसी को आपको हटाना है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, उसे रखिए आप आई एम पॉसिबल। तो असंभव कुछ भी कार्य नहीं है, अगर लगन आप में है तो वो हो सकता है। और अगर नाले साफ हो गए तो पानी भरना बंद हो जाएगा, पानी भरना बंद हो गया तो सड़कें टूटनी बंद हो जाएंगी, सड़कें टूटनी बंद हो गई तो सड़कों पर गड्ढे नहीं मिलेंगे, तो पब्लिक को एक बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। हर पोल पर लाइट हो, हर मोहल्ले में सफाई हो, ये एक जनरल हर नल से स्वच्छ पानी आए, ये नगर निगम से लोग चाहते हैं, जनरल पब्लिक ये चाहती है। अगर इतने ही काम हो जाएं तो आप पब्लिक में बहुत अच्छे व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बना पाएंगे। देखिए बड़े प्रोजेक्ट तो चल ही रहे हैं, स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लगातार अच्छे कार्य भी हो रहे हैं। तो वो जो सरकार के काम हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट वो तो हो रहे हैं, लेकिन जो नगर निगम के महापौर के ये छोटे छोटे काम हैं, अगर ये हो जाएं तो मुझे लगता है कि पब्लिक को लगेगा कि एक ऐसा महापौर अच्छा महापौर बना। और जीवन का उद्देश्य जो है वो ये है कि आप जब हैं तो आपको लोग प्यार करें, और जब आप ना हों तो लोग आपको याद करेंगे। अगर पार्टी ने आप पर भरोसा जताया और किस तरीके से पार्टी का आभार व्यक्त करेंगे अगर पार्टी आपको आप पे भरोसा जताती है तो? देखिए अगर पार्टी मेरे ऊपर भरोसा जताती है, मेरी माँ है, मेरी जननी है, हम तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं, हमने भारतीय जनता पार्टी, भाजपा, संघ, ये हमारे परिवार के सब, हमारे जितने भी बुजुर्ग रहे हैं सब संघ परिवार के रहे हैं, सबके रग रग में संघ परिवार बसा हुआ है, रचा हुआ है। मेरे फूफा जी तो चेयरमैन रह चुके हैं और मेरे मौसा जी संघ के बहुत बड़े कार्यकर्ता रहे, तो हमारे तो सारे कार्य लोग संघ से जुड़े हुए हैं। मैं हालांकि थोड़ा देर से भाजपा से जुड़ा, ये मेरा दुर्भाग्य है कि रामकेश भक्त पे निगाह थोड़ी पार्टी की देर से पड़ी, लेकिन पड़ी, ये बहुत अच्छा है। और आज अगर पार्टी मुझे ये दायित्व देती है तो मैं इस दायित्व को अपनी पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा, और जितने भी कार्य की उम्मीद पार्टी करेगी वो कार्य किए जाएंगे और पार्टी को निराश नहीं होना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ राजनीतिक सवाल भी कर लेते हैं कि विपक्ष लगातार घेरने को तैयार रहता है कि भाजपा कुछ कर नहीं रही है, भाजपा कोई काम नहीं करती, भ्रष्टाचार में संलिप्त कहीं ना कहीं कुछ कोई ना कोई अधिकारी निकल जाता है, तो इसका किस तरह का जवाब दें? देखिए मैं तो, मेरी बहुत छोटी सी वार्तालाप है ये कि जिसमें दम होता है, जिसमें ताकत होती है, जिसमें कुछ करने की क्षमता होती है, उसी की अच्छाई और बुराई होती है, उसी को लोग जिंदाबाद, उसी को लोग मुर्दाबाद कहते हैं। अगर कोई आदमी, कोई समाज से निकल के व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा है तो समझ लीजिए कि आप में अच्छा काम करने की क्षमता है और आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी चूंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अब देख रहे हैं आप लोग जो विपक्षी हैं उन्हें डर लग रहा है कि भाई पता नहीं हमारी कोई पोल ना खुल जाए, हमारा कहीं से कोई परेशानी ना आ जाए, तो वो नेचुरली उनके पास कुछ मुद्दे नहीं हैं, तो वो ये जो व्यर्थ के वार्तालाप हैं वो करते रहते हैं कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, कार्य हो रहे हैं। देखिए कार्य हमारे बताने से कार्य हो रहे हैं कोई नहीं मानता, पब्लिक, लोकतंत्र में जनता निर्णायक होती है। अगर जनता ने हमारी पार्टी को जनादेश दिया है, यह सिद्ध करता है कि हम कार्य कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में 37 साल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी दोबारा चुन के आई। इसका श्रेय हमारे देश हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को जाता है, जिन्होंने इस प्रदेश के अंदर सत्ता का वो रुख दिखाया, लोगों को जनता को दिखाया कि सत्ता कैसे चलाई जाती है। इससे पहले भी सत्ता चल रही थी, प्रदेश चल रहा था, लेकिन आज घर से जब कोई बच्चा बाहर जाता है, कोई कन्या बाहर जाती है, या खुद कोई व्यापारी, मैं व्यापारी हूँ, व्यापारी बाहर जाते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं आपसे 10 साल 7 साल पुरानी बात करता हूँ, जब हम व्यापार के जगह से उठ के आते थे तो सोचते थे क्या करें, सुरक्षा कैसे होगी। आज कोई याद ही नहीं रहता कि सुरक्षा के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता, एकदम सुरक्षित माहौल बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, इतना सुरक्षित माहौल है कि आप तो चूंकि पत्रकार हैं, आप जनरल पब्लिक में निकल जाइए और सिर्फ इतना पूछिए क्या आपको सुरक्षा महसूस होती है, तो आदमी हर व्यक्ति ये कहेगा हमें सुरक्षा बहुत ज़्यादा महसूस होती है। ये हमारी पार्टी ने दिया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया। इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, देखिए अब कोरोना आया, कोरोना में मतलब मैं तो कहता हूँ कि भगवान थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री और हमारे योगी जी जैसा मुख्यमंत्री दिया कि पूरी जनता को, पूरे देश के एक एक व्यक्ति को डबल डोज फिर ट्रिपल डोज। भाई साहब, एक रुपया भी पूरी जनता पे खर्च करना मुश्किल काम है, और एक एक डोज आदमी को बुला बुला के लगाना, कोरोना जैसी बीमारी, मैं तो चूंकि दवा के क्षेत्र से जुड़ा हूँ, कोरोना जैसी बीमारी हमारे देश की जनसंख्या जितनी ज़्यादा है, इसमें मतलब ये महामारी बन सकती थी, त्राही त्राही मच सकती थी, लेकिन उनकी सोच जिसकी वजह से आज हमारा देश खुशहाल जिंदगी जी रहा है, लोग त्रस्त होने से बच गए। पूरे देश की जनता ऐसे ही नहीं 400 सीटें जीत जाते हैं लोकसभा में, काम करते हैं आप तब जीतते हैं। और कोरोना के इतने बड़े काल के बाद भी देश को की अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित तरीके से, अच्छे तरीके से आगे ले जाया जा रहा है, और देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, आप 5वीं शक्ति बन गए अर्थव्यवस्था में, ये बड़ी बातें हैं। ये आसान नहीं है, कहना बहुत, घर में बैठ के कहना बहुत आसान होता है, अरे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जनरल समाज से आप पूछिए तो वो आपको कहेगा कि जी मोदी जी कोई उनका विकल्प नहीं है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास करना ही हमारी पार्टी का एक मुख्य उद्देश्य है। एक सवाल और बार बार खड़ा होता है भाजपा में कि कहीं भाजपा में कार्यकर्ता का सम्मान नहीं है, बार बार एक सवाल खड़ा हो जाता है कि बहुत सारे मुकदमे भाजपाइयों पर हो जाते हैं, जो जेल चले जाते हैं, कहीं झगड़ा हो जाता है, कोई मतलब उनकी सुनवाई नहीं है, क्या ऐसा लगता है? देखिए अब क्या है कि जब भी आप समाज में निकलेंगे, इतना बड़ा हमारे 130 करोड़ की जनसंख्या है, तो 130 करोड़ को तो आप नहीं पूरी तरह से समझा सकते, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं सिंपल जवाब का क्वेश्चन से ही जवाब देता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता परेशान है, दुखी है, तो ये विशाल जन कहां से आ रहा है, इतनी बड़ी संख्या पार्टी का मेंबर बनने की कहां से आ रही है, क्यों बन रही है? इसलिए बन, देखिए जब आपको कुछ मिलता है, जब आप कुछ प्राप्त करते हैं, जब आपको कुछ कहीं खुशी होती है, तभी आप जुड़ते हैं ना। भारतीय जनता पार्टी से लोग इसलिए जुड़ रहे हैं कि इसकी सोच अच्छी है, इसकी जो काम करने की व्यवस्था है। देखिए मैं तो कांग्रेस में रह चुका हूँ, सपा में रह चुका हूँ, मैंने सारी पार्टियों की नीतियां देखी हैं। मैं सच्चे हृदय से ये बात कह रहा हूँ कि इस देश का अगर कोई भला कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इस देश को आगे ले जाने में, देश की सुरक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सबको आगे ले जाने में, मैं चूंकि व्यापारी हूं आपको बता रहा हूं कि हम दवा का व्यापार करते हैं, तो हमारा रॉ मटेरियल 92% अप्रॉक्स, हो सकता है मेरे आंकड़ों में 1-2% की गलती हो, इंपोर्ट होता था। आदरणीय मोदी जी की नीतियों के कारण 70% इंपोर्ट कम हो गया। उन्होंने फैक्ट्रियां लगाने के लिए लोगों को सुविधाएं दी, पहले हमारे यहाँ रॉ मटेरियल मिलता ही नहीं था, और अब पूरे देश में फैक्ट्रियां लग रही हैं, लगातार कंपनी लग रही है और रॉ मटेरियल देश में उपलब्ध होने लगा। हमारा आयात बढ़ निर्यात बढ़ रहा है, आयात घट रहा है, यही देश को आगे ले जाने का सबसे सही आंकड़ा है। हमारे देश की व्यवस्था इसीलिए अच्छी सुदृढ़ हो रही है कि हम अच्छी नीतियों से काम कर रहे हैं। व्यवस्था देखिए आप, पूरे व्यापार वर्ग को देखिए आप, पहले भगदड़ मची रहती थी व्यापार के अंदर, कभी कोई इंस्पेक्टर आ गया, कभी कोई कहीं से फोन आ गया, कभी किसी तरह का अनैतिक दबाव आ गया,
अब व्यापारी चैन से व्यापार करता है और चैन से जीएसटी जमा करता है। अब देखिए ना जीएसटी कहां से कहां पहुंच गया। ऐसे तो नहीं पहुंच गया कि हम हमारी पार्टी डंडे ले लेकर घूम रही है जीएसटी जमा करिए, नहीं है। अपने आप व्यापारी कह रहा था बहुत अच्छा हो गया, मेरा तो माल जाता है और पेमेंट बैंक में आ जाता है, मेरा रिस्क ही नहीं है। पहले बंदे जाते थे कैश इकट्ठा करके लाते थे फिर बैंक में जमा करते थे, डबल रिस्क। अब डायरेक्ट माल जाता है जीएसटी से और वहां से पेमेंट आती है बैंक के थ्रू और चैन से व्यापारी सोता है। तो चोरी चकारी कम हो गई, झगड़े कम हो गए, लूटपाट कम हो गई, इसलिए कि पॉलिसी बनाई गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है जिनकी उनकी वजह से ही आज हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं लोग और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि ये जीएसटी और ये टैक्स, ये इनकम टैक्स और बढ़ेगा। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आंकड़े दिए थे कि भाई इतनी गाड़ियां हैं, इतने ये हैं और टैक्स इतने लोग देते हैं। ये बात भी लोगों के दिमाग में गई है और जरूर से लोग जो टैक्स नहीं देते हैं वो टैक्स देना शुरू करेंगे। लेकिन हर कार्य में टाइम लगता है, समय लगेगा और देश के अंदर इनकम टैक्स देने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। और मैं भी अपील करता हूँ जो लोग जिनकी आमदनी है, जो लोग गाड़ियां खरीद के बैठे हुए हैं, जिनकी कोठियां हैं, उन्हें इनकम टैक्स जरूर देना चाहिए। मैं भी अपील करूंगा ये। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल रही है कि दो दिन बाद इलेक्शन में आपके जो भी कैंडिडेट होगा उसका चुनाव हो जाएगा, लिस्ट फाइनल हो जाएगी। एक क्या है ये दो दिनों के, ये दो दिनों का अंतर अगर बात करें, किस तरह की दिल में एक फीलिंग्स हैं और क्या मन में? देखिए, हम तो राम भक्त हैं, हमारे अंदर कोई ना लालच है ना कोई लालसा है, कुछ करने की दिल के अंदर चाहत है। पार्टी मौका देगी महापौर बनने का तो महापौर बन के करेंगे, किसी और व्यक्ति को पार्टी विश्वास जताती है तो उसका पूरी ताकत से चुनाव लड़ाएंगे, तन से मन से धन से, और उसके बाद उसको महापौर बनाएंगे और कोशिश करेंगे जो हमारे मन की कुछ भावनाएं हैं उनसे शेयर करके वो कार्य करवाए जाएं। तो ये तो पार्टी के ऊपर है, पार्टी जिसे टिकट देगी उसका चुनाव लड़ाया जाएगा, पूरी ताकत से लड़ाया जाएगा, पूरे हृदय से लड़ाया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ में राजेश रस्तोगी जी, जिन्होंने सीधे तौर पर बेबाक तरीके से सवालों के जवाब दिए और जो एक दिल में एक भावना है कि पार्टी जिसको भी टिकट का उम्मीदवार बनाएगी, आपको बनाए या फिर किसी और को ही बनाए, तो तन मन धन के साथ में चुनाव लड़ाया जाएगा। अब देखना ये होगा कि पार्टी राम भक्त और भक्त शिरोमणि पर कितना भरोसा जताती है और उन्हें चुनाव मैदान में उतारती है, ये अभी देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी के साथ मैं अंकित चौहान, पब्लिक टीवी मुरादाबाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।